हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट कदम। और आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि मैं आपके साथ इस वीडियो में एक बहुत ही हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर आप ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं और वहां पर आपको स्टे करना है, तो या तो आप ऐसा करते हैं कि स्टेशन के आसपास ही कहीं रूम ले लेते हैं, या फिर आप को कम समय के लिए होटल रूम चाहिए होता है तो वो आपको महंगा भी पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि आप स्टेशन पर ही रिटायरिंग रूम ले सकते हैं। इंडियन रेलवेज की तरफ से फैसिलिटी होती है कि आप स्टेशन पर ही रूम्स बुक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगी कि आप रिटायरिंग रूम कैसे बुक कर सकते हैं। ये रूम आपको होटल से काफी सस्ते प्राइस में मिल जाएंगे और मिनिमम आप इनको 3 आवर्स के लिए बुक कर सकते हैं। मतलब अगर आपको सिर्फ 3 घंटे के लिए ही रुकना है तो भी आप ये रूम बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आप ये रूम कैसे बुक कर सकते हैं। आप रिटायरिंग रूम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से बुक कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही प्रोसेसर इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑनलाइन की, कि ऑनलाइन आप रूम कैसे बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास कंफर्म टिकट होना चाहिए, रेलवे का जो कंफर्म टिकट होता है वो होना चाहिए, PNR होना चाहिए, उसके थ्रू आप ये रूम बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें गूगल पर टाइप करना है IRCTCTourism.com, और इसके बाद जो सबसे पहली वेबसाइट ओपन होगी, सबसे पहली जो लिंक आएगी हमें वो ओपन कर लेना है। सेकेंडली अगर आप गूगल पर मेंशन करते हैं IRCTC रिटायरिंग रूम, तो यहाँ से भी जो फर्स्ट लिंक होगी वो भी आपको सेम पेज पर रीडायरेक्ट करेगी, जो कि टूरिज्म वाले पेज होगा। मीन्स IRCTC का जो रिटायरिंग रूम बुकिंग वाला पेज होगा, ये भी आपको वहीं पर लेकर जाएगी। तो आप दोनों में से किसी से भी ओपन कर सकते हैं लिंक को। और यहाँ से जब आप लिंक को ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा पेज मिलेगा, जहाँ पर साइड में जो आइकन देख रहे हैं IRCTCTourism.com, ये वाला पेज ही आपको ओपन करना है। इवन इस वीडियो में मैं आपको एक रिटायरिंग रूम दिखाने भी वाली हूँ। हम लास्ट टाइम जब जयपुर में रुके हुए थे तो हम लोगों ने डबल बेड रूम बुक किया हुआ था, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के रूम मिलते हैं। बट हर स्टेशन पर अलग अलग तरीके के रूम होते हैं, तो आप ये भी देख लीजिएगा कि रूम्स कैसे होते हैं। तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर लॉग इन कर लीजिए। अगर आपका IRCTC पर पहले से अकाउंट है तो आप वो आईडी पासवर्ड डालकर भी लॉग इन कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप गेस्ट यूजर का लॉग इन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गेस्ट यूजर से ही लॉग इन करूंगी। तो सबसे पहले हम लॉग इन कर लेंगे। लॉग इन करने के बाद आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे, लाइक होटल, फ्लाइट, ये इस तरीके के अलग अलग ऑप्शन होंगे। इसमें से आपको चूज करना है रिटायरिंग रूम वाला ऑप्शन, जो कि इधर जो सर्कल मैं आपको पॉइंट आउट कर रही हूँ, इस तरीके से रिटायरिंग रूम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है। एंड यहाँ पर आपको मेंशन करना है आपका PNR नंबर, जो कि आपका कंफर्म टिकट है, उससे आपको देखना है। जैसे ही आप अपने PNR नंबर से ओपन करेंगे, कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा और यहाँ पर आपकी डिटेल्स होगी कि आप किस स्टेशन से किस स्टेशन तक ट्रेवल कर रहे हैं। एंड यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसमें आपका सोर्स स्टेशन और डेस्टिनेशन होगा, तो आप किस स्टेशन पर रूम बुक करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। सपोज मैं यहाँ पर बुक कर रही हूँ रूम सोर्स स्टेशन पर, फॉर एन एग्जाम्पल, तो आपको सोर्स स्टेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी ये सारी डिटेल्स मेंशन करनी है कि आप किस डेट में रूम बुक कर रहे हैं, कितने आवर्स के लिए रूम बुक कर रहे हैं, किस तरीके का रूम आपको चाहिए, डॉर्मेट्री चाहिए, डबल चाहिए, सिंगल रूम चाहिए। एंड यहाँ पर ये पूरी डिटेल्स आ रही हैं कि आप डबल रूम, डॉर्मेट्री, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज होंगी, किस फ्लोर पर है, क्या क्या होगा, उसमें गीजर होगा, टॉयलेट कैसा होगा, वेस्टर्न, इंडियन, और कूलर या फिर फैन है, AC है, इस तरीके की सारी चीजें यहाँ पर मेंशन होंगी। यहाँ पर ये जो फेयर शो हो रहा है वो 12 आवर्स और 24 आवर्स के लिए हो रहा है, बट कई स्टेशन पर 3 आवर्स की भी सुविधा होती है। मतलब आप 3 घंटे से मैक्सिमम 48 घंटे तक रूम बुक कर सकते हैं यहाँ पर। गाइस, एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि आपके पास अगर जनरल का भी कंफर्म टिकट है तो भी आप रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के रूम हैं, उन सब की अलग अलग प्राइजेस दी हुई है और उन सब में क्या क्या फैसिलिटीज हैं वो अलग से एक कॉलम में दिया हुआ है। तो ये आप पहले ही चेक कर लें कि आपको किस तरीके का रूम चाहिए, AC चाहिए, non AC चाहिए या फिर डॉर्मेट्री चाहिए, तो आप उसी के अकॉर्डिंग उसे बुक करें। तो सपोज मैं आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक
बुक करके दिखाती हूँ कि हमें चाहिए 12 आवर्स के लिए रूम, तो यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए कि आपको 12 आवर्स के रूम चाहिए, और उसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कर सकते हैं। आप सारी डिटेल्स एक बार फिर से अच्छे से चेक कर लें कि सही डेट में आप बुक कर रहे हैं, और इसके बाद नीचे की ओर पेज को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ये बाकी अदर इन्फॉर्मेशन भी डिमांड करते हैं, लाइक आपका नेम, एड्रेस और ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल कर देना है। आपका कोई भी एक आधार कार्ड या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट जो भी आईडी है, फोटो आईडी, वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी, एंड सारी डिटेल्स एक बार अच्छे से चेक करने के बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कर सकते हैं। और जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपकी पेमेंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आप यहाँ पर अपना पेमेंट कर दीजिए एंड आपका रिटायरिंग रूम बुक हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसमें आप ऑफलाइन भी रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हैं। उसमें आप रेलवे के काउंटर पर जाइए, अपना कन्फर्म टिकट दिखाइए, PNR नंबर बताइए और आपकी जो भी डिटेल्स हैं, कितने टाइम के लिए चाहिए आपको रूम, इस तरीके से आप उस काउंटर पर, रिजर्वेशन काउंटर पर बता सकते हैं और वहां से भी आप अपना रूम बुक कर सकते हैं। ऑफलाइन में ये होता है कि किसी किसी स्टेशन पर रिटायरिंग रूम अवेलेबल नहीं होते हैं, तो बेटर है कि पहले आप ऑनलाइन चेक कर लें, उसी के अनुसार ही अपना रिटायरिंग रूम बुक करें। अब चलिए मैं आपको एक बार रूम दिखा देती हूँ कि हम लोगों ने जयपुर स्टेशन पे जो रूम बुक किया था वो कैसा था। इसके अलावा मैं एक छोटी सी क्लिप आपको अजमेर रिटायरिंग रूम का भी दिखाऊंगी। एक बार ही हम लोगों ने अजमेर में भी रिटायरिंग रूम लिया था क्योंकि हम रात में पहुंचे थे और हार्डली हमें 3 से 4 घंटे के लिए ही रूम चाहिए था, तो वो भी मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में दिखा देती हूँ। ये है यहाँ का रिसेप्शन। सो ये देखिए रिसेप्शन एरिया काफ़ी बड़ा सा है एंड अच्छा साफ़ सुथरा है, एंड ये एक इस साइड कॉरिडोर है और एक ये इस साइड भी काफ़ी बड़ा सा कॉरिडोर है, एंड नीचे यहाँ से हम लोग आए हुए हैं अभी स्टेशन से। बाकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको देती हूँ, तो सबसे पहले अपने PNR नंबर वगैरह से अपना रूम देखते हैं और उसके बाद बताते हैं आपको। ये इस रूम का वॉशरूम मैं दिखा देती हूँ, थोड़ा सा गीजर भी मिला हुआ है बढ़िया से, नॉर्मल जैसे बजट रूम का वॉशरूम होता है, स्टेप का वॉशरूम है, मिरर भी है, सारी चीजें हैं, फैसिलिटीज जो भी बेसिक रहती है वो तो सारी है, तो बढ़िया है काफी। आई रूम है उसको जाना स्टेशन, एंड विंडो दिया है जिससे स्टेशन का जो टिन शेड होता है उसका व्यू आ रहा है, TV है, एंड ये है इस टाइप का रूम मिलेगा, बेड, साइड टेबल, नहीं काउच टाइप पड़ा हुआ है लेकिन उस पर कुछ मतलब सोफे का गद्दे जो होते हैं वो नहीं है, टेबल दिया हुआ है, बढ़िया है। स्टेशन के हिसाब से तो काफ़ी सही लगा मुझे, स्टेशन के आसपास नियर बाय रूम में रुकेंगे तो मुझे नहीं लगता इतने साफ़ सुथरे रूम मिलेंगे, ये अच्छा नीट एंड क्लीन रूम है। सो हमारा भी ये नया नया ही एक्सपीरियंस है, हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, तो बाकी डिटेल्स भी मैं आपको देती हूँ। और अभी थोड़ा सा हम अपना AC भी दिया हुआ है, नाइस AC रूम लिया एक्चुअली, बस फैन नहीं चल रहा है, एक बार कंफर्म करना पड़ेगा क्या है इसका स्टेटस, चलेगा भी कि नहीं। ये कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनके थ्रू अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो। यहाँ पर ही जो रिटायरिंग रूम के सामने ही ये एक छत टाइप बनी हुई है, ये पूरा ओपन एरिया है यहाँ पे, तो आयु आराम से खेल रहा है कुछ देर के लिए, अभी शाम हो गई है और ये सारा कुछ ऐसा है। शाम को आई थिंक रात को और अच्छा दिखेगा। ये जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये वाला ये है मेट्रो स्टेशन, जो कि स्टेशन के सबसे नियर बाय है, ये मेट्रो की लाइन है
और बढ़िया है यार ये मस्त। ये देखिए ये रेलिंग वगैरह बनी हुई है और बाहर ये जो सामने आप देख रहे हैं दैट इज़ एंट्री पॉइंट ऑफ द स्टेशन और ये एकदम बढ़िया सा हमारा फ्लैग जो कि ऑलमोस्ट हर स्टेशन पर होता ही है, काफ़ी सही लग रहा है। एक्चुअली ये एक्सपीरियंस काफ़ी नया है, स्टेशन पे ही रुके हुए हैं, ट्रेन की आवाज़ आ रही है, अनाउंसमेंट की आवाज़ आ रही है, सारी आवाज़ आ रही है मस्त। बट अगर आपके पास टाइम कम है या फिर आप होटल वगैरह नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि हम स्टेशन के आसपास भी कहीं होटल लेंगे तो बजट में कुछ इस टाइप के आएंगे, लेकिन ये रिटायरिंग रूम अच्छे हैं, ये भी लिए जा सकते हैं। सो अच्छा एक्सपीरियंस है, हमें अच्छा लगा। तो गाइज इंडियन रेलवेज की तरफ से ये हम सबके लिए बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, बट हर किसी को पता नहीं होता या फिर यूज़ करना नहीं आता तो हम इसे यूज़ नहीं करते हैं। बट अगर आप स्टेशन के आसपास कहीं रूम ले रहे हैं या स्टेशन के आसपास ही आपको कोई काम है तो आप बेटर है कि रिटायरिंग रूम बुक कर लें। आप कम से कम समय के लिए भी इसे बुक कर सकते हैं और मैक्सिमम जैसा कि मैंने आपको बताया आप इसे 48 आवर्स के लिए बुक कर सकते हैं। गाइज बुकिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है कि या फिर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हुई है इस वीडियो से तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि आपको ठीक से और एक्सप्लेन कर पाऊँ। ऑल्दो मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं कि आपको कहाँ से रिटायरिंग रूम बुक करना है, क्या क्या प्रोसीजर होगा, तो आप आसानी से रिटायरिंग रूम बुक कर पाएंगे। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।